नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं संपूर्ण बाजार राहुल नगर मड़िया आजमगढ़, सामानों पर 10-40% तक की छूट। क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल कुकुलीपुर सठियाव आजमगढ़ और वुडन टच भवनाथ आजमगढ़। आजमगढ़ जिला अंतर्गत नेशनल हाईवे 233 पर पिकअप वाहन सवार अज्ञात 4 से 5 बदमाशों ने बीजेपी की जिला पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी संजय निषाद के वाहन से सटाकर फायरिंग कर दी। हालांकि अचानक से पिकअप सवार हमलावरों के आने के चलते बीजेपी प्रत्याशी के वाहन चालक ने गाड़ी आगे बढ़ा दी थी, जिससे सभी बाल बाल बच गए। घटना बीती रात करीब 11 बजे की है। बीजेपी प्रत्याशी के साथ चल रहे 2 अन्य वाहनों का पीछा करने पर पिकअप सवार भाग गए। इसी दौरान पुलिस को भी सूचना दे दी गई। पुलिस की घेराबंदी में तहवरपुर थाना के दादरा भगवानपुर नहर के किनारे पिकअप छोड़ हमलावर फरार होने में कामयाब रहे। मौके पर पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह भी पहुंच गए। पुलिस ने हमलावरों के वाहन को कब्जे में ले लिया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। एसपी ने बताया कि बीजेपी प्रत्याशी की तरफ से उनको कॉल आई थी कि जिस पर उन्होंने हमले की बात कही। मौके पर पहुंचे तो बीजेपी प्रत्याशी के वाहन के शीशे पर पत्थर के निशान थे। हमलावरों की पिकअप पीछे से खुली थी। मामले की जांच की जा रही है और बीजेपी प्रत्याशी को पूरी सुरक्षा दे दी गई है। देखिए, बीती रात लगभग 11 बजे श्री संजय निषाद जो अध्यक्ष प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी से, उनका मेरे पास मेरे मोबाइल पर फोन आया था कि कुछ लोगों द्वारा मेरी गाड़ी पर गोली चलाई गई है और वो गाड़ी मैंने पकड़ ली है। मैं तत्काल मौके पर पहुंचा, अन्य पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल की तो इनके द्वारा बताया गया कि एक पिकअप वैन जो कि पीछे से खुली हुई थी, ओपन बॉडी की थी, उसमें कुछ लोग कौड़िया बाजार से इनका पीछा किए और इनकी गाड़ी से सटाकर इन पर फायर किए। और जब ये 3 गाड़ी से, ये खुद भी 3 गाड़ी से थे और उसमें सभी गाड़ियों में इनके समर्थक भरे हुए थे, जब ये पीछा किए तो तहवरपुर क्षेत्र में नहर के किनारे आके वो गाड़ी छोड़ के, पिकअप वैन छोड़ के भाग गए। इस संबंध में मेरे द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया। श्री संजय निषाद जी को कोई चोट नहीं है, इनकी गाड़ी पर कोई बुलेट का निशान नहीं है और इनके द्वारा बताया गया कि एक पत्थर भी इनकी गाड़ी पर उनके द्वारा चलाया गया था, तो शीशे पे हल्का सा निशान है जो कि इनके द्वारा बताया गया है। इस संबंध में विवेचना की जा रही है, मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया और विवेचना की जा रही है। श्री संजय निषाद जी को प्रॉपर सुरक्षा उपलब्ध कराई गई। वहीं घटनाक्रम के बारे में बीजेपी प्रत्याशी संजय निषाद ने बताया कि आजमगढ़ से अपने गांव अहरौला थाना के उदयना से लौट रहे थे, तभी बीच रास्ते में कौड़िया बाजार में उनके पास वाहनों के काफिले के बीच में अचानक से पीछे से एक पिकअप गाड़ी आ गई, जिससे सभी सतर्क हो गए। अचानक से फिर पिकअप सवार उनके वाहन के बराबर अपनी गाड़ी ले गए और फायर कर दिए। हालांकि वाहन सवारों की गतिविधियां देखकर पहले से सतर्क हुई बीजेपी प्रत्याशी ने अपने चालक को तेजी से गाड़ी बढ़ाने को कह दिया था, जिससे फायरिंग में निकली गोली वाहन को चपेट में नहीं ले सकी। बीजेपी प्रत्याशी का कहना था कि वो निशाने पर थे। घटना के कारण के बारे में उन्होंने आशंका जताई कि हमलावर विरोधी पक्ष के हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें हमारी जीत दिखाई दे रही है, जिससे वो बौखला गए। बीजेपी प्रत्याशी ने घटना के बाबत स्थानीय थाने पर तहरीर दे दी है। मैं आजमगढ़ से अपने घर उदयना आ रहा था, तो आजमगढ़ से हम लोग निकले थे, कौड़िया बाजार पहुँचे। कौड़िया बाजार पार करके 300-400 मीटर जब आगे आए तो एक अज्ञात गाड़ी हमारे गाड़ी के बीच में अचानक से आके घुस गई। जो हमारे पीछे गाड़ी थी हमारी, जब उसने हॉर्न दबाया तब वो बाहर निकला झटके से और हमारे गाड़ी के पैरेलल अपनी गाड़ी लगा के अपना कट्टा निकाला फायर करने के लिए। तो जब मैं मुड़ के देखा कि वो कट्टा निकाल रहा है फायर करने के लिए, तो मैं ड्राइवर को बोला कि आप गाड़ी की स्पीड बढ़ाओ, नहीं तो चले जाएंगे हम लोग। तो जब गाड़ी की स्पीड बढ़ाई तब तक उसने फायर कर दिया, तो किस्मत से हम लोग 4-5 सेकंड के अंदर हमारी गाड़ी आगे पास हो गई और हम लोग बच गए, किसी कोई घाव नहीं लगी। और नहीं तो अगर जरा से भी ध्यान हम लोग का भटका होता है, या तो मैं नहीं तो मेरे पीछे वाला, दोनों में से किसी का तो हत्या तय हो गई थी। 4 चक्का से सब लोग थे? जी, 4 चक्का से थे, लगभग 4 से 5 लोग थे। जी, आपको लगता है कि किस क्यों हमला हुआ आपके ऊपर? ये विपक्ष का काम है, वो लोग हार रहे हैं जिसके लिए वो लोग बौखला गए हैं, तो बौखलाहट में अब कुछ भी उल्टा सीधा काम करने पे उतारू हो चुके हैं।
इसके लिए आप लोगों ने तहरीर भी दी है? जी, इसके लिए हम लोगों ने तहरीर भी दिया है और घटना स्थल पे मौके पे कप्तान साहब भी आए हुए थे और ताबरपुर थाना भी था। पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त का दावा करने वाले दौर में बुढ़नपुर के एक भ्रष्ट कानूनगों ने पूरी तहसील व्यवस्था को उजागर कर दिया। जमीन की पैमाइश के नाम पर 10,000 की मांग करने वाले कानूनगों को गोरखपुर से आई एंटी करप्शन टीम ने सामाजिक संगठन प्रयास की मदद से रंगे हाथ दबोच कर सलाखों के पीछे भेज दिया। बताते चले कि बुढ़नपुर तहसील के लक्ष्मीपुर गाँव निवासी देवेंद्र कुमार यादव को अपनी जमीन की पैमाइश करानी थी, जिसको लेकर वो लगातार बुढ़नपुर तहसील में तैनात कानून गो सुभाष सिंह से गुहार लगा रहा था। आरोप है कि कानून गो द्वारा पैमाइश के लिए पीड़ित से लगातार 10,000 रुपए की मांग की जा रही थी, जिसको लेकर पीड़ित बेहद परेशान था। कई बार निराश होने के बाद देवेंद्र कुमार यादव ने सामाजिक संगठन प्रयास अध्यक्ष रणजीत सिंह से संपर्क किया। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए रणजीत सिंह ने पीड़ित को लेकर एंटी करप्शन कार्यालय गोरखपुर से मुलाकात कराई और पूरे प्रकरण को उनके समक्ष रखा, जिसको लेकर एंटी करप्शन प्रभारी निरीक्षक रामधारी मिश्र के नेतृत्व में 7 सदस्यीय एंटी करप्शन टीम ने बुढ़नपुर तहसील पहुंची और केमिकल युक्त 10,000 रुपए पीड़ित को दिया। पीड़ित ने कानूनगो से बात की तो कानूनगो ने कहा कि तुम मेरे कार्यालय में 10,000 लेकर आओ, अभिलेखपाल को भेजकर तुम्हारी पैमाइश करा देंगे। कानून गो सुभाष सिंह के कथनानुसार 10,000 रुपए लेकर उनके कार्यालय पर पीड़ित देवेंद्र कुमार यादव पहुंचे और उनके पीछे एंटी करप्शन टीम और जिलाधिकारी कार्यालय से गवाह के रूप में पीडब्ल्यूडी लिपिक रिजवान अहमद तथा बेसिक शिक्षा कार्यालय के लिपिक शक्ति लगातार टीम के साथ मौजूद रहे। जैसे ही राजस्व निरीक्षक सुभाष सिंह ने 10,000 रुपए अपने हाथों में थामकर जेब में रखने लगा तो तभी उसे एंटी करप्शन प्रभारी निरीक्षक रामधानी मिश्र के निर्देश पर निरीक्षक अशोक कुमार सिंह, निरीक्षक उदय प्रताप सिंह, शिव मनोहर यादव, नीरज सिंह, चंद्रभान मिश्रा, शैलेंद्र राय एवं शैलेंद्र सिंह ने दबोच लिया। एंटी करप्शन टीम ने भ्रष्ट कानूनगों को पकड़कर कप्तानगंज थाने पर लेकर आई और उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की कड़ी में प्रयास अध्यक्ष रणजीत सिंह, रामकेश यादव भी मौजूद रहे। उक्त प्रकरण के बाबत प्रयास अध्यक्ष ने कहा कि किसी व्यक्ति से अगर कोई भी अधिकारी या कर्मचारी पैसे की मांग करता है तो उसकी जानकारी प्रयास संगठन को दीजिए। ऐसे लोगों को गिरफ्तार कराकर भ्रष्टाचार पर वार करने का काम सदैव संगठन करेगा। 2016 से एक माह पैमाइश होने की तहसील बुढ़नपुर के अंतर्गत परगना कौड़िया के राजस्व कानून द्वारा हमें 2016 से दौड़ा रहे थे और पैसे की मांग कर रहे थे लगातार कि फाइल वाइज पर मैच तब होगी जब पैसा 10,000 बार दे दोगे तब। तो उसके बाद ये प्रयास संगठन के द्वारा हम लोग जो है गोरखपुर पहुँचे, फिर आ करके जो है यहाँ पे कार्रवाई हुई। हमने जैसे पैसा थमाया वो गिन रहे थे और एंटी करप्शन द्वारा वो पकड़ लिए। मामला था शिकायतकर्ता देवेंद्र कुमार यादव ने शिकायत किया कि मेरे खेत की पैमाइश के लिए 10,000 उसके जांच कराई गई। जांच के बाद आज सब वही रहेगा, 10,000 रुपये रिसीव होते हुए मुकदमा कप्तानगंज। जिले के प्रथम नागरिक जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए 3 जुलाई को होने वाले चुनाव के लिए मंगलवार को निर्दल प्रत्याशी जयप्रकाश यादव के नामांकन पत्र वापस देने के बाद तस्वीर साफ हो गई कि अब सपा के विजय यादव और भाजपा के संजय निषाद के बीच आमने सामने टक्कर होगी। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए 26 जून को कुल 3 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया था, जिसमें भाजपा से संजय निषाद, सपा से विजय यादव और जयप्रकाश यादव ने निर्दल प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र दाखिल किया था। 3 प्रत्याशियों के पर्चा दाखिल करने के बाद तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन जयप्रकाश यादव की उम्मीदवारी वापसी के बाद चुनावी जंग की तस्वीर साफ हो गई। इसी के साथ ही जिले का सियासी पारा चढ़ गया है। दोनों दलों के प्रत्याशियों के रणनीतिकार अपनी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए जोड़ तोड़ की गणित में लग गए हैं। सपा के विजय यादव पूर्व ब्लॉक प्रमुख होने के साथ ही पूर्व कैबिनेट मंत्री व सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव के पुत्र हैं, जबकि संजय निषाद मछुआ प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक एवं भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं और कन्हैया निषाद के पुत्र हैं। अब देखना है कि 3 जुलाई को 84 जिला पंचायत सदस्यों वाले सदन की कुर्सी किसे मिलती है। जिला पंचायत नामांकन 3 हुए थे तो आज एक जयप्रकाश ने आपने वापस ले लिया है,
दो कैंडिडेट हैं, विजय और संजय निषाद। चुनाव निर्धारित 3 तारीख को निर्वाचन होगा। पंचायत सदस्यों को प्रलोभन व धमकी दिए जाने का एक वीडियो वायरल। मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हरिवंश मिश्रा ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग की है, जिसके संबंध में चुनाव आयोग व मुख्यमंत्री को शिकायती पत्र प्रेषित किया गया। सौंपे गए शिकायती पत्र में भी श्री मिश्र ने MLC राकेश यादव उर्फ गुड्डू यादव पर नव निर्वाचित क्षेत्र पंचायत सदस्यों को प्रलोभन व धमकी दिए जाने का आरोप लगाया है। आइए आपको सुनाते हैं कि MLC राकेश यादव किस तरह से एक BDC को प्रलोभन दे रहे हैं। हालांकि इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं हुई है। अरे MLC बोलो थे गुड्डू यादव। MLC गुड्डू यादव। हाँ नमस्कार सर। भीड़ हो गेल हो? नहीं सब आल है, तरी कुछ काम से तनी जाय कर ला नहीं होता हूँ, अल नहीं बाजारी में तनी भेज कर ला लिया। देखा दोनों के हम आपन बंदी पहले से हमारे पास 70 वोट भैले में 8-9 वोट कम सुन ला बात। अच्छा, अगर दोनों की गंगा नहाए खुद नहा ला संगी मंदिर जी, जब हम सिस्टम सबके देनी तो तुम दे दे। मतलब जैसे BDC कितना होगा आपके पास? हमारे पास 75 वोट में से मतलब 8-9 वोट और हो जाए तो हमारे 75 पूरा हो जाएंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है। उनके खाते में हम कुल 18 वोट छोड़ दे रहे हैं। जी जी, बात समझा ना। 75 वोट मिलने के बाद हम 55 वोट से चुनाव जीते, 50 पास 55 वोट से चुनाव जीते। यार तू पता कर लो यार, दोनों अमानी हमारा है, शिवपुर वाला तुम्हारे 1 वोट हमारा है, जजमन जोत हमारा है, शंकरपुर हमारा है, कुढ़ई हमारा है, अरे कुढ़ई ना मलपुरवा हमारा, कुढ़ई वाला रेट अगर ओकर नुकसान दे, गरीब आदमी था, बात समझा ना। पढ़ल लिखल तो नुकसान हो जाएगा उसका, छोड़ दे हम कुल दिखे ना, कुछ चुनाव छोड़ कुल भाग चुनाव छोड़ को सब भाग रहे हैं, होपलेस हो गए हैं। अच्छा, अजय बचल चल वो भागी है, मतलब ना भागी तब 18 वोट चाहिए, मतलब 75 वोट हम पावे जाते जी। तो अगर तुम्हें संगी अवे खुद बाबू बता दा, नहीं तो तुम्हारे मतलब दूसरे ले लेंगे, अभी अपने डिस्ट्रिक्ट लोड ले लिए। जी हाँ, मतलब उमन ने नहीं थी हिम्मत कही है, भैया हम तो कहले नहीं संगे रहा, हमें धोखा डाला, हमारा रोटो ना लेता, हम ना सुनो तबा बात मत कही हमने, पैसों कुछ देने हैं क्योंकि सबके खर्च पानी बढ़ गया ना, सबके पूरा जितना देवे पूरा दे ले। कितना देख है ये फोन इतना बतिया जला? चलो ठीक है, मिला है ना, आई सादे गंज आई जितना उल्टा पर का सब सेट है। सादे गंज में कमलेश नेता है, गोल बनावत है, छोड़ ले कमलेश के, ऐसे वो लंगड़ा छोड़ ले है, बाकी सब हमारे है, और के है हर बार बतावा। चलो ठीक है, कमलेश हो तो BDC बटोर के MLC साहब बुला के अगर बात आप परचेस बताए तुम्हें छोड़ दिया देनी पान, हम कमलेश कोर्ट ना ले छोड़ दे मिलकर। चलो इनके समझ में आ जाये, सोच रहा हमारे पास समय ना बाबू है। ठीक साहब, हम बताए शाम तक, हम शाम तक सोच के बता था, है बता काला यदि मुड़सकी उठाए गए कप्तान ने तेरही बचुआ पर बंगूरा चल जा, महाराज से सीतलपुर चल जा, परसरामपुर दहीने पाए कुल गांव देखकर सरदार बेल्ट देख रहे रोड कहाँ बतावा हमसे। चलो खाली जमा रानी सोचिए है वह देवरवा में देखते दो चार सब पैसा वाली बात करते रहना, कुछ जने हमें उसे बताऊ ना कि पैसा वैसा कितना देत हो भाई, कुछ सब्जी है हुआ तब बढ़ा बढ़ा भाई मिला तब बताई ना, फोन बना बात तो ली सब। चलो हाँ अगर करे खो तो हमें बहुत शाम तक खाने बता था बताए रास्ता में बना रहा, फिर हमने छोड़ दिया भैया, दोस्त मत दिया हमारा प्रमुख हम ही हो जीते हम ही, वो लोग जो दिए वसूली भी हुई, दुनिया जानी भी, हम के कहा देने अपने ना चल रहा। चलो 67 लोगों की दे भैली जलना ना रहे भाई, हम जानकारी रखी तब ना हमके भाई तनखी रह लिया दूसरे हमें परेशानी में हाँ तो रहा है तुमके बाबू समझ बुझला, नहीं तो फिर क्या बोलैया कहीं आ जा, बात सुनला सोच के हमें बता दा, दोस्त मत दिया हमारे इतना आसपास त्योहार भाई क्यों कहे वाला तुम्हें ना मिली बता सर आप सबके हमके भाई के आज ही तक आप आए जब है जब भाई है ना क्यों भाई तो पर्चा और दोस्तना ना जितना आप सब भाई। अरे हाँ ही तो यार काहे जब क्या उनको BDC बतिया सुनत था पैसा उनके पकड़ ले क्यों क्यों उनके संग चले थे यार का कहीं होपलेस हो गए निराश हो गए हम लोग जी, तो सकर पर्चा दाखिल करिए ना करिए, लेकिन दोनों गरीब आदमी हवा
अगर हमारे संगे ना आए तो उनको भयंकर नुकसान जाए। अरे ब्लाको को ना कुछ नहीं मिली तब जो सिस्टम चला वो ना पाइबा, घर बनवाओ कहले नहीं आवाज देख 5 लाख वाला वो ना पाइबा। चलो ठीक, तुम विचार के बाबू सामने बता रहा। ठीक सर, ठीक ना। भाजपा जिला उपाध्यक्ष हरिवंश मिश्रा ने कहा कि उक्त मामले पर त्वरित कार्रवाई नहीं हुई तो ब्लॉक प्रमुख चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठेगा। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की कि ऐसे चुनाव प्रभावित करने वाले एमएलसी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए ब्लॉक प्रमुख व जिला पंचायत चुनाव को भयमुक्त सम्पन्न कराया जाना आवश्यक है। उन्होंने ये भी कहा कि एमएलसी के समर्थक वीडियो वायरल करने वालों को सोशल मीडिया पर भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं, उनको चिन्हित करके एक नजीर पेश किया जाए। शिकायती पत्र सौंपने वालों में अरुण कुमार सिंह साधु, दीपक सिंह, हलदर दुबे, राधा मोहन गोयल, गोपाल यादव, राजन, विपुल पांडे, अमित पांडे आदि रहे। देखिए, मैंने एक प्रार्थना पत्र दिया है और ऑनलाइन मुख्यमंत्री जी को, चुनाव आयोग को, सबके यहाँ फैक्स भी कर दिया है कि ब्लॉक प्रमुख का चुनाव चल रहा है, इसमें पूर्व ब्लॉक प्रमुख या एमएलसी रहे गुड्डू यादव, राकेश यादव गुड्डू ने एक बीटीसी को फोन पर धमकी देने का, प्रलोभन देने का कार्य किया है जो दुर्भाग्यपूर्ण है। एक संवैधानिक पद पर बैठने के बाद इस तरीके से इतना घृणित कृत्य करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं। चुनाव आयोग से मांग करते हैं कि तत्काल इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इनको चुनाव आयोग में, इनके परिवार, चुनाव आयोग से हम लोग सिफारिश करेंगे कि इनके परिवार को चुनाव न लड़ने के लिए एक फरमान जारी करना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र की हत्या है। सरकार द्वारा कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस को लेकर गाइडलाइन जारी की गई। ऐसे में संभावित कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए आजमगढ़ के जिला महिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने को लेकर जगह चिन्हित कर ली गई है और जल्दी ऑक्सीजन प्लांट का काम पूरा कर लिया जाएगा। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के दौरान जहां अब व्यवस्थाएं अनलॉक प्रक्रिया के तहत धीरे धीरे शुरू हो रही हैं, वहीं विशेषज्ञों द्वारा कोरोना की तीसरी लहर की भी बात कही जा रही है। ऐसे में हमारा स्वास्थ्य महकमा कितना सतर्क है, इसे लेकर शहर स्थित जिला महिला अस्पताल की व्यवस्था को जानने का प्रयास किया गया, जहां पर मरीजों की संख्या कम दिखी। वहीं इस मुद्दे पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका डॉक्टर मंजुला सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का सख्ती से पालन किया जा रहा है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए स्वास्थ्य व्यवस्था और मजबूती प्रदान करने के लिए जल्द ही ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाएगा, जिसके लिए जगह का भी चुनाव कर लिया गया है और जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। कहना ना होगा कि ऑक्सीजन प्लांट हॉस्पिटल का सभी स्वागत कर रहे हैं। लगभग हॉस्पिटल के पार्क में प्लांट लगाने की योजना दिख रही है। ऐसे में ये ध्यान देना ही होगा कि अगर किसी पेड़ को काट कर ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया तो उस प्लांट की बलि घोर निराशाजनक साबित होकर ही होगी। आज जागरूकता तो हो ही गई है, हम लोग कोविड प्रोटोकॉल हम लोग उसी समय से फॉलो कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं। थर्मल स्कैनिंग हुआ, बाकी सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, सारा जितना ओपीडी का है, सारे कमरों का, लैब का, वो सब तो डेली होता है। और इसके अलावा अभी प्रशासन की तरफ से ऑक्सीजन प्लांट भी लगाए जा रहे हैं, ताकि ऑक्सीजन की जो कमी होती है वो उस समय शॉर्टेज ना हो। अभी स्टार्ट हुआ है, बाकी हॉस्पिटल्स में तो कोविड हॉस्पिटल्स में पहले से लग गया हमारे यहाँ। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार व माननीय जनपद न्यायाधीश के आदेश पर जनपद मुख्यालय आजमगढ़ तथा समस्त तहसील मुख्यालयों पर दिनांक 10 जुलाई 2021 दिन शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मोटर दुर्घटना से संबंधित वाद, दीवानी वाद, वैवाहिक वाद, आपराधिक समनीय वाद, एनआई एक्ट, विद्युत विभाग से संबंधित वाद, बैंक के ऋण संबंधी वाद, राजस्व वाद, चकबंदी वाद तथा वो समस्त वाद जो सुलह समझौता के तहत निस्तारित किए जा सकते हैं, को जरिए सुलह समझौता निस्तारित कराया जाएगा। उक्त के संबंध में मंगलवार को माननीय जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता में सभी न्यायिक अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई,
जनपद न्यायाधीश ने सभी न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया कि वो आगामी आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मुकदमों को नियत कर सुलह समझौता के आधार पर अधिक से अधिक वादों को निस्तारित कराए जाने का प्रयास करें। शैक्षिक भ्रमण से बढ़ेगी ज्ञान की सोच के साथ उच्च प्राथमिक विद्यालय की इन छात्र छात्राओं का कारवां भ्रमण पर निकला हुआ है। अतरौलिया के परिषदीय विद्यालय के ये बच्चे भ्रमण कार्यक्रम के अंतर्गत जिले के तमाम ऐतिहासिक जगहों पर जा चुके हैं। उन जगहों के महत्व के बाबत उन्होंने ज्ञान अर्जित किया। मंगलवार को शिक्षकों के साथ उन्होंने सरकारी कार्यालयों व प्रतिष्ठानों का भ्रमण किया। मंदिरी क्षेत्र में एयरपोर्ट का भ्रमण करने के उपरांत उन्होंने जिलाधिकारी कार्यालय का भ्रमण किया। कार्यालय व अधिकारियों के कक्षों के अवलोकन के उपरांत वो पुलिस अधीक्षक कार्यालय को देखने के लिए निकल पड़े। शिक्षक विजय सिंह ने बताया कि सर्व शिक्षा अभियान व उत्तर प्रदेश पुलिस के सहयोग से ये भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसका उद्देश्य बच्चों के ज्ञान में वृद्धि करना है। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के सौजन्य से ये कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसमें बच्चों को शैक्षिक भ्रमण कराना है। विशेष रूप से जो सरकारी प्रतिष्ठान हैं, जैसे जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय पर इस समय हम अभी हैं। इससे पहले हम लोग एयरपोर्ट का विजिट किए हैं, एयरपोर्ट मंदिरी का, और फिर एसपी साहब के ऑफिस पर जाएंगे। और बच्चे जो सरकारी कार्यशैली है, जो सरकारी प्रतिष्ठान, उनमें कैसे काम होता है, अधिकारी महोदय लोग कहाँ बैठते हैं, क्या कैसे काम होता है, इस बारे में जानकारी देने का उद्देश्य है। इसके साथ ही कुछ धार्मिक स्थल जो ऐतिहासिक महत्व के हैं, हम लोग वहाँ भी जाएंगे। संपूर्ण बाजार राहुल नगर मड़िया आजमगढ़ किराना स्टोर जनरल मर्चेंट कॉस्मेटिक फास्ट फूड होम एंड किचन के सामानों का आजमगढ़ का सबसे बड़ा प्रतिष्ठान फूड ग्रेन्स ऑयल्स और सभी प्रकार के मसाले कॉस्मेटिक स्टोर स्नैक्स स्टोर समर ड्रिंक एंड बेवरेजेस क्लीनिंग एंड हाउस होल्ड होम और किचन के प्रोडक्ट बेकरी स्टोर डेयरी प्रोडक्ट सभी सामान मार्केट रेट से सस्ता और अच्छा 10-40% तक छूट पतंजलि के सामानों पर 15% तक विशेष डिस्काउंट शादी विवाह के सामानों की खरीदारी पर स्पेशल ऑफर संपूर्ण बाजार राहुल नगर मड़िया आजमगढ़ वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़ अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड फ्लश डोर डिजाइनर डोर पीवीसी डोर फोर माइका फैंसी हार्डवेयर किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध अपने आशियाने में लगाइए चार चांद पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़।